टेक्निकल प्रोत को कर दे सब्सक्राइब और साथ में दबा दे इस बेल को और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल पुरोहित चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त नरेश लव पुरोहित। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्नैपचैट पर हम अपना वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल वाले आइकॉन को भी दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से स्नैपचैट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट बना लेना है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका अकाउंट नहीं बनाया है तो आप वीडियो के लास्ट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप वहाँ पर वो वीडियो देखकर आपका अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आप अपना स्नैपचैट को जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप साइट में यहाँ पर जो इमोजी का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर आप यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप अपना फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, उसके बाद आप इस इमोजी पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, इमोजी पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग आपको यहाँ पर फिल्टर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आप जिस भी फिल्टर पर अपना वीडियो शूट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप कर सकते हो। तो दोस्तों, आप अभी देख सकते हो। उसके बाद इस पर आपको जो बीच में जो बड़ा वाला जो गोला दिखाई दे रहा है उस पर आपको टैप करके रखना है। तो दोस्तों, आप उस पर जैसे ही टैप करके रखोगे तो आपका वीडियो यहाँ पर शूट होना स्टार्ट हो जाएगा और जितना भी आपको शूट करना है उस पर आप दबा के रखें। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो शूट हो चुका है। तो दोस्तों, ऊपर आपको टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप अपना कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हो। तो दोस्तों, आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आप देख सकते हो अलग अलग यहाँ पर फॉन्ट दिए गए, तो आप यहाँ पर अपना कोई भी पसंद वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद राइट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सिंपली अपना जो नाम है कुछ भी यहाँ पर टेक्स्ट एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों, उसके बाद आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक कर लेने के बाद नीचे जो इमोजी वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो इमोजी। आप कोई भी सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आप अपनी उंगली से कुछ भी बना सकते हो। तो दोस्तों, उसके बाद आप वापस पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, यहाँ से ये हट जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको और भी बहुत कुछ यहाँ पर ऐड करने को दिखाई देगा, तो आप यहाँ से कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, उसके बाद आप नीचे देख सकते हो साउंड वाला जो ऑप्शन है उस पर अगर आप टैप करोगे तो आपका जो साउंड है वो यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद आप वापस इसको चालू या ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप किसी को भी सेंड करना है तो सेंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपना स्टोरी लगा सकते हो, आप अपने फ्रेंड को भी सेंड कर सकते हो। अगर दोस्तों इस वीडियो को आपको सेव करना है गैलरी में तो आप सिंपली यहाँ पर नीचे जो सेव वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, आपका जो वीडियो है वो कैमरा रोल में और इसमें ऐड हो जाएगा। अगर हम उसको वापस देखना चाहते हैं तो हमें यहाँ से बैक आ जाना है और यहाँ पर आपको गैलरी वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो यहाँ पर वीडियो बनाया वो यहाँ स्नैपचैट में भी आ गया। और अगर कैमरा रोल पर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कैमरा रोल में भी हमारा जो वीडियो है वो गैलरी में सेव हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने स्नैपचैट पर अपना वीडियो बना सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।